घुरकड़ी कांगड़ा में एक भव्य भाजपा महिला सम्मेलन को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि कांगड़ा चंबा लोकसभा सीट के प्रत्याशी किशन कपूर ने चुनाव का आगाज भाजपा महिला सम्मेलन के साथ किया है। उन्होंने कहा कि महिलाएं हमारे समाज का अभिन्न अंग हैं तथा स्वास्थ्य समाज के लिए महिलाओं का सशक्तिकरण जरूरी है, जिसके लिए प्रदेश सरकार द्वारा अनेक योजनाएं उनके आर्थिक उत्थान के लिए चलाई जा रही हैं। सम्मेलन के उपरांत मुख्यमंत्री ने पत्रकारों के साथ बातचीत करते हुए कहा कि भाजपा ने नारा दिया है कि इस बार 400 के पार, और उन्होंने हिमाचल में नारा दिया है कि अब की बार फिर से 4। उन्होंने कहा कि 2014 में जब सत्ता हाथ में नहीं थी तब भी हमने चारों सीटें जीती थी, और अब प्रदेश सरकार व केंद्र सरकार के बेहतरीन काम होने की वजह से चारों की चारों सीटें भाजपा जीतेगी। उन्होंने कहा कि पिछले 5 वर्षों में केंद्र की मोदी सरकार ने देश हित में कई फैसले लेकर समूचे देश में विकास के नए आयाम स्थापित किए हैं, और पड़ोसी देश पाकिस्तान को भी उसकी हरकतों का करारा जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि इस बार हमारा नारा है कि प्रदेश की चारों सीटें जीतकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दोबारा प्रधानमंत्री बनाना है। पार्टी ने केंद्र में नारा दिया है अब की बात 400 पार, और हिमाचल प्रदेश में हमारे पास 4 ही सीटें हैं, इससे ज़्यादा हो नहीं सकती है, होती तो और ज़्यादा देते, लेकिन हिमाचल प्रदेश में हमने नारा दिया है अब की बात फिर 4 की 4। तो 4 सीटें पहले जीती हैं 2014 में, जब हिमाचल में सत्ता नहीं थी, सरकार नहीं थी, दिल्ली में सत्ता नहीं थी, सरकार नहीं थी, तब जीती हैं, और अब की बार मोदी जी ने बहुत बेहतरीन काम किया है। पूरे देश भर में मोदी जी की एक लहर है, और लहर के साथ साथ में देश चाहता है कि ऐसा मजबूत नेतृत्व तो चाहिए देश को जो मोदी जी के सिवाय कहीं और नहीं, और हिमाचल में उसमें, जहां तक हिमाचल की बात है, हिमाचल को तो मोदी जी कहते हैं कि ये तो मेरा अपना घर है। ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है, सौभाग्य की बात है, और एक इमोशनल अटैचमेंट हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का हिमाचल के साथ, और उसमें हम निश्चित रूप से सफल होंगे, जीतेंगे और 4 सीटें। सर, लेकिन कांग्रेस तो ये कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से तत्कालीन जब चुनाव हुए थे 2014 में, तो 15 लाख खाते में डालने की बात करी गई थी, वो नहीं करवा पाए, लेकिन वो 72,000 रुपये देंगे न्याय के जरिए। देखिए, ऐसा है, ये इन बातों का मैं बहुत ज़्यादा जवाब देने की आवश्यकता महसूस नहीं की। 15 लाख कभी नहीं कहा था कि हर खाते में आएगा, कहीं नहीं कहा गया था। कहा था कि जितना काला धन विदेश में है, अगर वो काला धन भारत आ जाता है सारा, तो अगर उसको हम गरीब आदमी को दे दें तो हर आदमी के खाते में कितना पैसा आ सकता है, ये बात इस तरह से कही गई। लेकिन अनावश्यक रूप से उनने उस बात को और तरह से ट्विस्ट करने की कोशिश की, जो कहा नहीं गया था उसको वो कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा कहा गया था, वो गलत बात है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि देश के पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी, जिन्होंने इस बात को सुनिश्चित किया कि एक पैसा अगर खर्च होता है, हम देते हैं गरीब आदमी को, एक पैसा उन तक पहुंचना चाहिए, एक रुपए देते हैं तो एक रुपए पहुंचना चाहिए। जो राजीव गांधी कहते थे, अगर मैं 1 रुपए भेजता हूं तो गरीब आदमी तक, उस आदमी तक 15 पैसे पहुंचते हैं। खाते खोले गए, जनधन के तहत खोले गए, और आज किसान समिति सम्मान योजना के अंतर्गत जो है मोदी जी ने एक शुरुआत की है, और देश की आबादी का लगभग 80% हिस्सा गाँव में रहता है, और हिमाचल का तो 90% रहता है, और जिन किसानों के पास 25 बीघा से कम ज़मीन है, उन सभी किसानों के लिए फसल हो तो भी, फसल नहीं हो तो भी, उनके लिए जो है खाते में 6,000 रुपये देने का किया, 2,000 रुपये खाते में आ गया, 2,000 रुपये मई के महीने में आ जाएगा, और हिमाचल प्रदेश में 90 करोड़ जो है किसानों को, 90 करोड़ रुपये की राशि हिमाचल के किसानों को मिल गई है जो खाते में जमा हो गई। सर मंडी संसदीय क्षेत्र में जो पिता हैं वे बीजेपी में हैं और जो पोते हैं वे कांग्रेस में शामिल हो गए, पूरे देश में कई जगह होता है, तो किस तरह देखते हैं सर, क्या कार्रवाई की अगर वो चुनाव में? हमारी भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी घोषित है पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व द्वारा, रामस्वरूप शर्मा जी, हम उनके लिए काम कर रहे हैं। सीएम साहब, ये बताइए, अभी आप चुनाव प्रचार में जा रहे हैं, मोदी सरकार के 5 साल के कामकाज को जनता को बताइएगा, या फिर आपने जो 1.25 साल में किया उसको बताइएगा? ये सारी बातें केंद्र में जो काम हुआ है मोदी जी के नेतृत्व में उसका भी जिक्र होगा, और जो हमने हिमाचल प्रदेश में किया उसका भी जिक्र होगा, स्वाभाविक। सर, यूथ कांग्रेस के प्रदेश
कार्यक्रम के दौरान मौजूदा सांसद शांता कुमार ने भी सम्मेलन को संबोधित किया और आह्वान किया कि जनता कांगड़ा चंबा लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी किशन कपूर को भारी मतों से जीत दिलाए ताकि नरेंद्र मोदी एक बार फिर से प्रधानमंत्री के पद पर काबिज होकर देश को सेवाएं देते रहें।